हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि जो सीरीज सॉल्यूशन का जो थर्ड वीडियो है वो मैं आपके थर्ड लेक्चर वो मैं आपके सामने ले रहा हूं और यहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे हम सीरीज सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं अगर यहां पे x इज इक्वल टू जीरो अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, और उस वाले केस में हम लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने आपको सिखाया था। और स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये सभी टॉपिक पे मैं वीडियोस ले चुका हूं। स्टूडेंट, यहां आईटी बारा यहां जाके आप मेरे पुराने सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और लाइक जरूर करें सो दैट कि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊं। सो स्टूडेंट, यहां देखिए सीरीज सॉल्यूशन व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, है ना, रेगुलर सिंगुलर। यहां पे जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, फ्रोबेनियस मेथड होता है ना। इस मेथड से हम यहां पे क्या करेंगे, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बशर्ते यहां पे जो x इज इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। सो अगर ऐसा होता है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम लेते हैं ये, है ना, y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर एम प्लस आर। अब यहां पे क्या होता है, ये जो m होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे। अब दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस में ये होता है कि अगर m1 m2 दोनों अनइक्वल है तो उस वाले केस में इसका जो सीरीज सॉल्यूशन होता है वो ये होता है ना। क्या करेंगे हम, जहां पर भी जो भी हमारा सीरीज में आंसर आएगा उसमें m की जगह m1 रख देंगे और m की जगह m2 रख देंगे, उसको a और b के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर बाई चांस हमारे पास रूट्स यहाँ पे इक्वल है तो उस वाले केस में, क्योंकि हम दोनों रखेंगे, दोनों सेम आएगा तो सेम नहीं हो सकता है, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू ए वाई एम इज इक्वल टू एम वन, और दूसरे में क्या करेंगे, डेल एम बाय डेल एम, और फिर उसमें m उसके y को m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर m की जगह क्या रख देंगे, m1, ये उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे बात ये होती है कभी कभी कुछ क्वेश्चन में हम यहाँ पे एक्स ए आर एक्स पावर एम प्लस आर लेते हैं, कुछ में ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर लेते हैं, तो ये कब लेते हैं और कैसे हमें लेना है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एम रखना है इस इक्वेशन के अंदर, है ना, इसका वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उठा के यहाँ रखना है, क्लियर है। फिर हमें जो इसकी सक्सेसिव डिफरेंस पावर में डिफरेंस देखना है, अगर m1 m2 माइनस m1 निकालना है, अगर m2 माइनस m1 की वैल्यू 1 आ रही है, कितनी आ रही है 1, तो हमारा जो सीरीज लेंगे वो r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर एम प्लस आर लेंगे, और अगर हमारे पास m2 माइनस m1 की वैल्यू 2 आ रही है तो हम यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर। तो नॉर्मली ये होता है, मैं आपको भी क्वेश्चन में समझाऊंगा, इससे आपको बहुत क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया यहाँ पे कि सीरीज सॉल्यूशन के अंदर ये जो टाइप का मेथड है ये नॉर्मली बेसल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज किया जाता है, क्लियर। सो देखिए कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, तो मैं यहाँ पे जो मेथड लेने वाला हूँ उसमें रूट्स इक्वल है वो वाला केस हम ले रहे हैं, मतलब एम1 इज इक्वल टू एम2 होगा, तो कैसे हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो सुन, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व इन द सीरीज एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ हम लेंगे लेट, क्या करेंगे, पुट, मैंने बोला y इज, आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्स पावर m, सबसे पहले यहाँ रखोगे, अगर x पावर m रखोगे तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, m x पावर m माइनस वन, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या रखना पड़ेगा आपको, m m माइनस वन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर उठा के यहाँ रखोगे, सॉरी दिस इज x पावर m माइनस टू, ये उठा के यहाँ रखोगे आप, तो ये आएगा आपके पास x, और यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास m m माइनस वन x पावर m माइनस टू, देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, m x पावर m माइनस वन, है ना, प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x इंटू x पावर m इज इक्वल टू जीरो, तो स्टूडेंट ये x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा m m माइनस वन x पावर m माइनस वन m x पावर m माइनस वन, और ये आएगा x पावर m प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और आप देख रहे हैं इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है यहाँ पे, m प्लस वन है, और इसकी जो सबसे छोटी पावर है वो m माइनस वन, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, मतलब m प्लस वन माइनस m माइनस वन, इसकी वैल्यू जब m से m कैंसिल होगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और 2 आएगी तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या लेंगे, लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस टू आर लेंगे, ध्यान देने की जरूरत है ना, अगर यहाँ 2 की जगह 1 आता तो हम m प्लस आर लेते हैं, राइट, है ना भैया, बड़ी पावर क्या है m प्लस वन, छोटी पावर क्या है m, दोनों का डिफरेंस ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर ना। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ध्यान दीजिए, आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस टू आर आ गया, एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस वन, है ना,
और यहाँ पे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस टू आर एम प्लस टू आर माइनस वन एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस टू। अब ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा देखिए आप लोग x, और वैसे बता दूँ x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है तो ये सिंगुलर पॉइंट है ना। नाउ x इज x रखेंगे यहाँ पे और देन डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस टू आर एम प्लस टू आर माइनस वन एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस टू है ना, देन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रहेगी है ना, ये आएगा r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर है ना माइनस वन, ठीक है यहाँ पे देन प्लस एक्स इंटू यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी ध्यान दीजिए, एक्स इंटू ये आएगा समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर आएगा, क्लियर। नाउ ये एक्स अंदर गया तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, अब देखो एक्स अंदर गया तो ये आएगा एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस वन आएगा, और यहाँ भी आ रहा है एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस वन, तो कॉमन निकाल लेते हैं इसको है ना, तो ए आर तो कॉमन आ ही गया, ये आएगा आपके पास एम प्लस टू आर माइनस वन, और यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आएगी प्लस वन, देन यहाँ पे आपके पास कॉमन आएगा एम प्लस टू आर माइनस वन कॉमन आर आपके पास प्लस, ये अंदर गया एक्स है ना, ये वाला एक्स अंदर जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी यहाँ रखेंगे ठीक है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं है ना, तो मैं इसको अगर चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई भी करके भी लिख सकता हूँ, या आप चाहो तो इसको ऐसा ही रख दो। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है और वो ये है कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये हम वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ आएगा एम प्लस टू आर, वो मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे इसके साथ ही एम प्लस टू आर और आ जाएगा है ना, एम प्लस टू आर ले लेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ये आएगा एम प्लस टू आर देन ये आएगा एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस वन, राइट। अब आप एम प्लस टू आर को कॉमन लेंगे तो ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो मैं चलो इसी टर्म को यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर। स्टूडेंट आप ये एम प्लस टू आर को कॉमन लेंगे तो जैसे एम प्लस टू आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एम प्लस टू आर माइनस वन प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपके प्लस एम प्लस टू आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है ना, एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस वन देन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखने की जरूरत यह है कि जो लीस्ट डिग्री टर्म है ना, क्या करेंगे हम इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म टू जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों के अंदर लीस्ट डिग्री टर्म क्या है तो हम आर की जगह क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, और आर की जगह जीरो रखेंगे तो यहाँ पे एम माइनस वन आएगा और यहाँ एम आएगा तो लीस्ट डिग्री टर्म ये वाली होगी, तो ये हम आर की जगह जीरो रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ए जीरो एम प्लस जीरो का होल स्क्वायर, और ये तो मतलब ही नहीं बराबर क्या रख देंगे जीरो, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो देन m इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो और जीरो, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या आई जीरो, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपको m की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ ये दोनों पावर क्या हो जाए स्टूडेंट सेम हो जाए, तो दोनों पावर सेम करने के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि दोनों पावर क्या हो जाए सेम हो जाए, तो आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे दोनों पावर क्या हो जाए सेम हो जाए। और स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है पावर है वो क्या है, मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डी वाई बाई डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एम प्लस टू आर है और एम प्लस टू आर से कॉम एक्स कॉम मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम प्लस टू आर प्लस वन आएगा यहाँ पे है ना, सो दिस इज प्लस वन है, सो दिस इज प्लस वन है ना, ये एक्स मल्टीप्लाई होता है प्लस वन हो जाएगा राइट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, दोनों पावर सेम हो जाए तो ये जो पावर है इस ये वाली जो टर्म है इसके अंदर क्या रखेंगे, पुट आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस वाले टर्म में पुट r इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम r माइनस वन, इसके अंदर हम r की जगह क्या रखेंगे r माइनस वन, तो ये आ जाएगा m प्लस टू आर माइनस वन हो जाएगा, दोनों पावर क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, तो मैं यहाँ रखता हूँ इसको तो क्या होगा देखिए आप लोग r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ये आएगा ए आर है ना, आपके पास r की वैल्यू आएगी m प्लस टू आर है ना, ये आएगा आपके पास x पावर का होल स्क्वायर है यहाँ पर है ना m प्लस, ये आएगा आपके पास टू आर माइनस वन प्लस, मैंने यहाँ पे क्या करा
आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आर की जगह आर माइनस वन रखना होती है, ये आएगा आपके पास ए आर माइनस वन, ये आएगा एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसको कॉमन निकाल लीजिए और इसको बराबर किसके रख देंगे हम, जीरो रख देंगे। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ आर, है ना, तो ए आर ये आएगा एम प्लस टू आर का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा यहाँ पे ए आर माइनस वन इंटू क्या आएगा यहाँ पे एक्स पावर एम प्लस टू आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। बीच में यहाँ पे माइनस तो है नहीं, सब प्लस ही है, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे तो ए आर एम प्लस टू आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये उधर जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितनी मिल जाएगी, ए आर इज इक्वल टू माइनस का ए आर माइनस वन इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे एम प्लस टू आर का होल स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले पुट R इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, R इज इक्वल टू जीरो तो रख नहीं सकते हम, ए वन रखेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो रखने पर ये माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस तो चाहिए नहीं अपने को ना, तो R की जगह वन रखेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए वन इज इक्वल टू माइनस का ए जीरो एम प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे टू का होल स्क्वायर। नाउ क्या करेंगे, पुट R इज इक्वल टू टू रखेंगे, टू रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट ए पावर ए फोर सॉरी ए टू कितना आएगा यहाँ पे माइनस का ए वन एम प्लस, ये टू रखेंगे तो ये आएगा एम प्लस फोर का होल स्क्वायर, और ए वन की वैल्यू यहाँ से कितनी, ये उठा के हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास ए टू की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ये आएगा ए वन इज इक्वल टू एम प्लस टू का होल स्क्वायर एम प्लस फोर का होल स्क्वायर, इस तरह से आता जाएगा। और हम जानते हैं इसका जो सीरीज होता है, सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास क्या सॉल्यूशन होता है इसका, ये होता है। इसको हम खोलेंगे, इसको जैसे हम खोलेंगे यहाँ पे तो ध्यान दीजिए क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ये आएगा ए जीरो एक्स स्क्वायर ए वन, क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इसकी वैल्यू आर की जगह वन रखेंगे तो आएगा एम प्लस, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम, सबसे पहले रखेंगे आर की वैल्यू जीरो, है ना, तो एक्स पावर एम आएगा, सॉरी, है ना, ये आएगा एक्स स्क्वायर देन ए टू एम प्लस फोर, है ना, इस तरह से आता जाएगा आपके पास, राइट। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ पे हर जगह क्या चाहिए आपको, ए जीरो, है ना, ए जीरो को कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप ए वन आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ए वन अपॉन ए जीरो, या आप ए वन की जगह वैल्यू रख दीजिए, सबसे बेस्ट है, तो ए वन की जगह वैल्यू रखेंगे। और देखो एक्स पावर एन तो कॉमन आ ही रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ए जीरो आएगा, है ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का ए जीरो एम प्लस टू का होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी ए वन अपॉन, है ना, कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे ये ए जीरो आ रहा था ना, देन यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक मिनट, ए वन, ए वन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है ना, तो ये ए वन की वैल्यू उठा के हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये ए जीरो आ जाएगा, राइट। सो ये आएगा हमारे पास ए जीरो एम प्लस टू का होल स्क्वायर एम प्लस फोर का होल स्क्वायर इंटू एक्स पावर फोर आएगा, ऐसा चलता जाएगा, है ना। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ए जीरो को कॉमन निकाल लेंगे, तो स्टूडेंट ये आएगा ए जीरो एक्स पावर एम, है ना, यहाँ बचेगा वन, देन एक्स स्क्वायर एम प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर एम प्लस टू का होल स्क्वायर एम प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे रिपीटेड रूट्स होते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, तो मैं मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको हटाता हूँ, देन अपन इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन होता है, जब मैंने आपको बताया था कि जब इक्वल रूट होते हैं तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए वाई एम इज इक्वल टू जीरो प्लस बी वाई डेल वाई बाय डेल एम m इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये हमारा y है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस y के अंदर मैं m इज इक्वल टू क्या रख देता हूँ, जीरो पुट कर देता हूँ। जैसे m इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये ए जीरो और पावर जीरो तो वन हो जाएगा, देन ये आएगा वन माइनस, यहाँ जीरो रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर लिख देता हूँ, बेटर है ना, देन वहाँ जीरो रखूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट एक्स पावर फोर, ये आएगा टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर, इस तरह से आता जाएगा यहाँ पे, है ना। नाउ अब डेल वाई बाय डेल एम, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एम, है ना, तो यहाँ पे इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो हम यू इंटू वी से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं इसका करता हूँ एक्स पावर एम का, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स क्या होता है, ए पावर एक्स लॉग ए, है ना। तो यहाँ पे हम एम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, ये आएगा x पावर m log x, है ना, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा ना, देन ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर, देन x पावर फोर एम प्लस टू का होल स्क्वायर एम प्लस फोर का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, है ना। देन अब क्या करेंगे, अब इसको छोड़ा, किसको छोड़ा,
ए जीरो एक्स पावर एम को छोड़ा। अब इसका करेंगे किसका, इसका। तो स्टूडेंट वन का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ वन अपॉन एम स्क्वायर, वन अपॉन एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टू अपॉन क्या है यहाँ पे, टू अपॉन एम प्लस टू का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट जो टर्म आएगी, इस आगे भी टर्म इसी टाइप की आती जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। नाउ क्या करेंगे, डेल वाई बाय डेल एम एट एम इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। जैसे एम इज इक्वल टू जीरो रखेंगे दिया आएगा ए जीरो एक्स पावर जीरो, जीरो ही होता लॉग एक्स, और जहाँ पे एक्स जीरो रखेंगे तो ये सीरीज आएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर अपॉन एक्स पावर फोर, टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर, इस तरह से आएगी प्लस ए जीरो। यहाँ पे एक्स पावर जीरो पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, देन यहाँ पे एक्स पावर जीरो रखेंगे तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, टू पावर थ्री आएगा तो ये टू पावर टू हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे जो अगली टर्म आएगी वो हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर होगा। देन यहाँ पे आएगा माइनस का वन अपॉन टू स्क्वायर फोर स्क्वायर इंटू थ्री एक्स पावर फोर, इस तरह से हमारे पास क्या आएगी, ये टर्म आएगी। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो y इज इक्वल टू आपको क्या करना, a इंटू ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रखना है प्लस b इंटू ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रखना है। तो ये हमारा क्या आएगा, ये वैल्यू उठा के कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर आपको समझने की जरूरत, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैंने किया क्या है। सबसे पहले आपको इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये चेक करना है कि y इज इक्वल टू सम ए आर समेशन एक्स पावर एम प्लस आर लगेगा या एम प्लस टू आर लगेगा। तो इसके लिए आपको y इज इक्वल टू एक्स पावर एम रख के देखना पड़ेगा, देन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर डिफरेंस वन आ रहा है तो एक्स पावर ए आर एक्स पावर एम प्लस आर रखेंगे, अगर डिफरेंस टू आएगा तो ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर रखेंगे, ना। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा जैसे यहाँ पे टू आया था तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू समेशन ए आर एक्स पावर एम प्लस टू आर होगा। देन उसको डी वाई बाय डी एक्स और डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर उठा के रखेंगे, देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो लीस्ट डिग्री टर्म होता है उसको जीरो पुट करते हैं, वहाँ से हमें m की वैल्यू मिलती है। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी मिली हमें, जीरो जीरो मिली, मतलब रिपीटेड रूट्स मिले। तो रिपीटेड रूट्स में जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, है ना। फिर क्या करते हैं, जो लीस्ट डिग्री टर्म होती है उसके अंदर क्या करते हैं, जो लास्ट में लीस्ट डिग्री टर्म होती है उसमें r की जगह r माइनस वन रखा, दोनों पावर सेम बन गए, उससे कॉमन निकालने पर हमें ये रिकरेंस रिलेशन मिल गया, है ना। ये रिकरेंस रिलेशन को जीरो पुट किया था हमारा, a1 a2 इन सब की वैल्यू रखी उठा के यहाँ रखा, तो ये हमारा आंसर आया। पर यहाँ समझने की, यहाँ आप बोलोगे सर ये रखने की क्या जरूरत थी, इससे पहले वाले मेथड में तो हमने दोनों अलग अलग वैल्यू रख के आंसर आ गया था। पर स्टूडेंट बता दूं यहाँ पे एक ही कांस्टेंट आ रहा है, पर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे दो कांस्टेंट आने चाहिए, दो कांस्टेंट आने के लिए हमें इस तरह का सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y में m इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा, फिर डेल वाई बाय डेल एम इसको एक बार y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, देन फिर m इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन आएगा, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, ये सब मैं बार बार बोलता रहूँगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ आप इतना तो मेरे लिए भी करें, और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते रहते हैं, सर आपका बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, या कुछ स्टूडेंट की अलग अलग होता है कि सर ये स्टेप कैसे है, या सर ये कैसे हुआ। प्लीज़ मेरे भाइयों समझने की कोशिश करिए, आपके व्हाट्सअप मुझे आते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन भेजते रहते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। मैं यहाँ पे जो आपकी मदद कर रहा हूँ वो उतनी कर सकता हूँ जितनी मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि मैं आपको वहाँ के पढ़ा नहीं सकता, है ना। जब आप दिल्ली में बैठे हो या कहीं यूपी में बैठे हो या आप उड़ीसा में बैठे हो और वहाँ से आप फ़ोन करके मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा आपको। सो मेरी मजबूरी को समझें आप, मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ उसके लिए भी आप मेरी हेल्प करें, सो देट कि मैं आगे और भी आपके लिए हेल्प करता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट मैं अगला टॉपिक लूँगा जिसमें m की वैल्यू बराबर नहीं होगी तो उसके रूट्स कैसे, हम उसके सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे। थैंक यू सो मच।